अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, यानी प्रत्येक सवाल को आप गहराई के साथ समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप इस एक्सरसाइज के मास्टर बन जाएंगे और प्रत्येक सवाल को आप स्वयं बनाओगे और दूसरे को भी समझाएंगे। तो चलिए एक एक सवाल को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और उसके बाद एक एक सवाल को हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.5 हो गया, क्लास 11th हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक है कि मान लीजिए कि यू बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, इसमें जो अवयव हैं एक से लेकर के 9 तक अवयव हैं और एक सेट है ए और इसमें चार अवयव है, 1 2 3 4 चार अवयव हैं और एक सेट बी है, एक सेट बी इसमें 2 4 6 8 और एक सेट सी है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए पूरक, बी पूरक, ए यूनियन सी का होल पूरक, ए यूनियन बी का होल पूरक, ए पूरक का होल पूरक और बी माइनस सी का होल पूरक, ये सब ज्ञात करना है। तो चलिए सभी को हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहले क्या है कि ए पूरक, पहले आपको है ए पूरक, तो ए पूरक का अर्थ हो गया यू माइनस ए, यू माइनस ए, ए पूरक का फॉर्मूला होता है यू माइनस ए, यानी किसी भी सेट का पूरक निकालना हो तो उसको हम यूनिवर्सल सेट में से घटा देते हैं। तो यू का जो मान है वो आपको 1 से लेकर के 9 तक है। अब देखिए अब माइनस है तो यहाँ पर आपको माइनस देना है और ए है तो सेट ए में देखिए 1 2 3 4। अब देखिए इसका जो है कि घटा के अब लिखना है, तो घटा के आप कैसे लिखेंगे, तो घटा के लिखने के लिए अब देखिए 1 2 3 4 इसमें चार को अवयव है तो इसमें जो चार अवयव होंगे वो घट जाएगा यानी छट जाएगा। एक है तो देखिए एक यहाँ पर मिल गया तो 1 और माइनस क्या हो गया 1, तो 1 और 1 क्या हो गया कैंसिल, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो जो भी इसमें चार एलिमेंट है और चार एलिमेंट इसमें भी मिलेगा, यहाँ पर डॉट डॉट में हम 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, तो देखिए 1 और 1 कैंसिल हो गया 2, तो 2 भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल, 4 भी कैंसिल। तो अब देखिए घटाएंगे तो अब बचेगा क्या, 5 6 7 8 9 यही आंसर हो गया। उसके बाद है दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल आपको है बी पूरक, बी पूरक, बी पूरक का अर्थ हो गया यू माइनस बी, यू माइनस बी, तो यू का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए बी का जो मान है वो आपको है 2 4 6 8, ये है। अब देखिए घटा रहे हैं तो 2 और ये 2 मिल गया, 4 और ये 4 मिल गया, 6 6 मिल गया, 8 8 मिल गया। तो देखिए ये जितने भी मान मिल गए हैं तो घट ना रहा है, तो 2 माइनस 2 तो 2 2 खत्म, 4 माइनस 4 तो 4 4 खत्म। उसके बाद देखिए 6 माइनस 6 6 6 खत्म, 8 माइनस 8 ये 8 8 भी खत्म हो गया। तो अब देखिए बचा किया 1 3 5 7 9, यही इनका आंसर हो गया। अब तीसरे नंबर का जो सवाल है, तीसरे नंबर का सवाल, इनको आप देख सकते हैं, यहाँ पर है कि ए यूनियन सी होल पूरक। अब देखिए पूरक निकालना हो, जैसे ए पूरक निकालते हैं तो देखिए पूरक को हम छाड़ देते हैं और यहाँ पर जो मान रहता है यहाँ पर ले आते हैं, जैसे बी पूरक निकालते हैं तो बी को घटाते हैं, उसी प्रकार से ए यूनियन सी का हम पूरक निकालेंगे, तो यू में से आपको ए यूनियन सी को घटा देना है, यानी पूरक घटाते हैं और उसको हम उस सेट को हम घटाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए यू का मान आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ये माइनस है, यहाँ पर माइनस हो गया। अब देखिए ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी, तो सेट ए, सेट ए में अभी अब देखिए 1 2 3 4 हो गया यूनियन,
और सी में देखिए, सी में जो अवयव है वो आपको है 3, 4, 5, 6, ये सी में अवयव है, इसको लिख दीजिए। देखिए डॉट डॉट मार करके 9 तक लिख देते हैं। उसके पश्चात देखिए, अब यूनियन है तो इस सेट के अवयव, इस सेट के अवयव को आप मिला देंगे, तो मिलाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6। उसके पश्चात देखिए, तो इसमें 1 से लेकर के 6 तक अवयव है, इसमें 1 से लेकर के 9 तक अवयव है, तो इसमें से देखिए ये घट न रहा है 1 से लेकर के 6 तक, तो इसमें से 1 से लेकर के 6 तक जो अवयव है वो जो है कि हट जाएंगे, तो बचेगा क्या 7, 8, 9, ये बचेंगे। अब देखिए 4 नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल क्या है, ए यूनियन बी होल पूरक। अब देखिए ए यूनियन बी का पूरक निकालना है, तो यू में से ए यूनियन बी को घटा देना है, ए यूनियन बी जिसका पूरक निकालना होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट में से घटा देते हैं। तो यू में देखिए, यू में 1 से लेकर के आपको 9 तक अवयव है, ऐसे डॉट डॉट मार दिए समझिए 1 से लेकर के 9 तक अवयव है, ये माइनस है, माइनस यहाँ पर लिख दीजिए। उसके पश्चात ए है, तो सेट ए को हम लिख लेते हैं, सेट ए है 1, 2, 3, 4, ये यूनियन है, तो ऐसे यूनियन बी है, तो अब हम सेट बी को लिख लेंगे, तो सेट बी का जो मान होगा 2, 4, 6, 8, ऐसे लिख लेंगे। लिखने के पश्चात अब देखिए 1 से लेकर के 9 तक अवयव है, 1, 2, 3, 9 तक अवयव हो गया। अब चूंकि यूनियन है, तो यूनियन मतलब इसके, इस सेट के अवयव, इस सेट के अवयव को मिला देंगे, 1, 2, 3, 4, 4। अब देखिए 5 तो नहीं है, 6 है, 6 को लिख लेना है और 8 को लिख लेना है, क्योंकि 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 इसका भी मिल गया, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 इसका भी मिल गया। तो देखिए इस दोनों सेट के अभी को मिला दिए कि नहीं मिला दिए, ऐसा नहीं कि दो इसमें भी है इसमें भी है तो दो बार लिखेंगे, सेट में 2 बार नहीं लिखा जाता है। अब देखिए घटा रहे हैं, तो 1 है और यहाँ पर 1 है तो कैंसिल, 2 है यहाँ पर भी 2 है कैंसिल, अब 3 है 3 भी कैंसिल, 4 है 4 भी कैंसिल, 5 है तो देखिए 5 नहीं है तो यहाँ पर लिख लेना है, 6 है 6 है 6 कैंसिल हो गया, 7 इसमें नहीं है 7 लिख लेना है। उसके बाद 8 देखिए और यहाँ पर भी 8 कैंसिल हो गया, 9 है इसमें 9 नहीं है तो 9 को लिख लेना है, तो ये हो गया आंसर। उसके बाद 5वें नंबर का सवाल देखिए, इसका है कि ए पूरक होल पूरक, यानी ये जो ए पूरक है इनका 2 बार, ए का जो है कि 2 बार पूरक निकालना है। तो देखिए यू माइनस क्या लिखेंगे आप, ए पूरक, यू माइनस ए पूरक। उसके पश्चात देखिए, तो यहाँ पर आपको ए पूरक का पहले मान निकालना है, इनको समीकरण 1 मान लेना है, ए पूरक का मान निकालिए, तो ए पूरक बराबर होगा यू माइनस ए, यू माइनस ए। तो देखिए आप निकाल चुके हैं फर्स्ट में ए पूरक का मान कितना निकल के आया है, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया। अब देखिए ए पूरक का मान ये हो गया, अब समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में ए पूरक का मान रखने पर, अब देखिए इनको जो है कि इसमें रखेंगे, तो यू का मान क्या है 1 से लेकर के 1, 2 ऐसे डॉट डॉट करके 9 तक है, माइनस है तो माइनस ए पूरक, अब ए पूरक का मान ये है 5, 6, 7, 8, 9, तो देखिए 5, 6, 7, 8, 9, तो 5 से लेकर के 9 तक इसमें जो मान है वो घटियन जाएगा,
तो बचेगा क्या, एक दो तीन चार, यही क्या हो गया आंसर हो गया। उसके पश्चात अब जो है पांचवें नंबर का सवाल, इनको भी आप देख लीजिए। पांचवें नंबर का सवाल कह रहा है बी माइनस सी होल पूरक, बी माइनस सी होल पूरक। तो पूरक निकालना है b माइनस सी का, तो u में से क्या करेंगे b माइनस सी को घटा देंगे, जिसका पूरक निकालना होता है उसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए u का जो मान है आपको एक से लेकर के नौ तक है। अब b माइनस सी करेंगे तो ऐसे सेट b को लिख लीजिए, सेट b में जो अवयव है वो आपको है दो चार छ आठ, माइनस सी है तो सी में अवयव है आपको तीन चार पाँच छ, तीन चार पाँच छ ये है। उसके पश्चात देखिए एक डॉट डॉट नौ, ये माइनस हो गया। उसके पश्चात देखिए अब दो है, इसमें दो नहीं मिला रख देना है, चार है चार मिल गया, तो चार ये माइनस है चार है, चार चार कैंसिल, छ है अब देखिए इसमें भी छ मिल गया तो छ छ कैंसिल हो गया, आठ है तो देखिए आठ नहीं मिला तो इसमें आठ हो गया। अब जो इनका अंतर करेंगे, इनका अंतर समुच निकालेंगे तो दो और आठ छट जाएगा क्योंकि दो और आठ इसमें से घट रहा है, तो आप लिखेंगे एक तीन, दो लिखना ही नहीं है, चार पाँच छ सात नौ, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो को पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि इफ यदि u बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिए गए हैं तो ए का पूरक निकालना है, बी सी डी सभी का पूरक निकालना है। तो यहाँ पर चलिए एक एक सवाल को हम बनाते हैं। दो के एक नंबर का सवाल है कि ए बराबर ए बी सी, ए पूरक निकालना है, ए पूरक तो ये होगा आपको u माइनस सी, और u में जो लेटर्स हैं यह है ए बी सी डी ई एफ जी एच हैं। उसके पश्चात ए में जो लेटर्स हैं वो आपको सी तक हैं, सी तक हैं तो ए बी सी। उसके बाद देखिए ए बी सी, तो ए है माइनस ए है तो ए और ए कैंसिल, बी है बी भी मिल गया बी भी कैंसिल, सी है सी मिल गया सी भी कैंसिल। तो अब देखिए ए बी सी तक कैंसिल हो गया तो डी ई एफ जी एच, तो क्या बचा डी ई एफ जी एच, ये क्या हो गया यही आंसर हो गया। दूसरे नंबर का जो सवाल है वो आपको है बी, सेट बी में है डी ई एफ जी ये है। अब देखिए बी पूरक निकालना है तो यू माइनस क्या करेंगे बी, अब देखिए यू में जो अब यू में जो लेटर्स हैं वो आपको ए से लेकर के कहाँ तक हैं एच तक, एच तक लेटर्स हैं, और बी में आपको क्या है डी ई एफ जी, डी ई एफ जी ये लेटर्स हैं। अब देखिए इसके अंतर समुच में क्या होगा, तो डी ई एफ जी तो छट जाएगा, ए होगा ही बी होगा ही सी होगा ही, और चूंकि डी है तो घट रहा है तो डी ई एफ जी छट जाएगा, तो छटने के बाद क्या बचेगा जी के बाद एच होता है, यानी ये होगा इसका आंसर। उसके पश्चात अब देखिए तीसरे नंबर का सवाल, तीसरे नंबर का सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी बराबर, सी में जो अवयव है ए सी ई
जी ये है सी पूरक निकालना है, यू माइनस क्या होगा सी, यू में अवयव है ए बी सी डी ई एफ जी एच है, उसके बाद ये यू का अवयव हो गया, ये माइनस हो गया, ये सी का अवयव क्या है ए सी ई जी। अब देखिए ए और ए मिल गया, सी भी मिल गया, ई भी मिल गया, जी भी मिल गया, क्योंकि घट रहा है तो इसलिए ये सभी अवयव जैसे ए माइनस सी तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या डी एफ एच, ये आपको बी बचा, उसके बाद ये डी बचा, ये एफ बचा, और ये क्या बचा एच बचा, यही इनका क्या हो गया आंसर हो गया। उसके बाद देखिए चार नंबर का जो सवाल है इस प्रकार से है, डी बराबर है एफ जी एच ए, डी पूरक निकालना है तो यू माइनस क्या होगा डी। अब देखिए यू में अवयव ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये माइनस है यहाँ पर माइनस, और डी में जो अवयव है एफ जी एच ए, ये अवयव हैं। अब देखिए ए है ये मिल गया, एफ है एफ मिल गया, जी है जी मिल गया, एच है एच मिल गया, तो जो भी अवयव मिल गए हैं ये इसमें से घट रहा है तो ये सभी छट जाएंगे, जैसे ए माइनस से तो कैंसिल हो गया। अब देखिए कौन सब नहीं मिला है, बी सी तो बी लिखना है, सी लिखना है, डी भी नहीं मिला है डी भी लिखना है, ई नहीं मिला है ई भी लिखना है, उसके बाद रेस्ट तो एफ जी एच तो मिल ही गया, इनको नहीं लिखना है, ये क्या हो गया आंसर। उसके बाद पांच नंबर का सवाल देखिए, पांच नंबर का सवाल क्या होगा, चलिए चार तक ही सवाल है पांच नहीं है, अब तीसरे नंबर के सवाल को हम देखते हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समूच को सार्वत्रिक समूच मानते हुए निम्नलिखित समुचियों के पूरक लिखिए, निम्नलिखित समुचियों के क्या लिखना है पूरक समूच लिखना है। अब आप लोग को करना क्या है, आप अपने बुक को पलट लीजिए और लिखते चलिए, यहाँ पर आपको जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर तीन में कि प्राकृत संख्याओं के समूच को यूनिवर्सल सेट मानना है, तो यू बराबर हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया तो इसका अर्थ हो गया एक दो तीन चार डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब इस पर आधारित जो पहला सवाल है कह रहा है कि x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत सम संख्या है, यहां पर दिया है प्राकृत सम संख्या है। अब देखिए तो इनका पूरक निकालना है, इनका पूरक निकालना है तो इनको मान लेना है लेट ए बराबर, इतना मान लिए। अब देखिए इनका पूरक निकालेंगे, ए पूरक करेंगे तो यू माइनस क्या होगा ए, यानी अब देखिए यू क्या है प्राकृत संख्याओं का समूच है, यानी प्राकृत संख्याओं का जो समूच होता है उसमें सम विषम दोनों होता है, तो ये जो सेट ए है इसमें प्राकृत सम संख्या है, प्राकृत सम संख्या है, यानी दो चार छ आठ ये सभी है, तो देखिए प्राकृत संख्या में से सम संख्या घटा देंगे तो क्या बचेगा विषमेन बचेगा, तो लिखना है x सच डेट x विषम प्राकृत संख्या है, यही इनका क्या हो गया पूरक समूच हो गया। अब जो दूसरे नंबर का सवाल है, दूसरे नंबर का सवाल कह रहा है कि
एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृत विषम संख्या है। दूसरा सवाल है एक्स सच डेट एक्स, तो इनको सेट मान लेते हैं, लेट बी बराबर एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। अब देखिए इनका बी पूरक निकालेंगे तो बी पूरक क्या होगा, यू माइनस बी यानी यूनिवर्सल यानी प्राकृत संख्या में से हम विषम घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स एच डेट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, यही हो गया इनका पूरक समूच। यानी बी अगर विषम प्राकृत संख्या का समूच है तो बी पूरक क्या होगा, सम प्राकृत संख्या का समूच होगा। क्यों, क्योंकि ये जो विषम प्राकृत संख्या है प्राकृत संख्या में से घट जाएगा, तो विषम घट गया तो सम बचेगा। अब जो तीसरे नंबर का इसमें सवाल है, अब इनका हम सिर्फ आंसर लिखते जाते हैं, आप लोग जो है कि समझते जाएंगे। तो तीसरे नंबर का सवाल कह रहा है एक्स एच डेट एक्स, संख्या तीन का एक धन गुणज है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो सवाल है इस प्रकार से। अब इनका पूरक समूच निकालना है तो कैसे लिखेंगे, तो पूरक जो होगा इसमें एक्स एच डेट एक्स संख्या तीन का धन गुणज, धन गुणज नहीं है। इसलिए देखिए पूरक ना निकाल रहे हैं, कह रहा है कि धन गुणज है तो धन गुणज नहीं है, ऐसे यानी जस्ट विपरीत कर देना है, है तो नहीं और नहीं तो है, ऐसे करना है। अब चौथा सवाल कह रहा है कि एक्स एच डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो देखिए इनका पूरक निकालेंगे, अभाज्य संख्या है, हम प्राकृत संख्या में से घटाएंगे तो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी भाज्य संख्या है, एक्स एच डेट एक्स भाज्य संख्या है, यही इनका पूरक हो गया। अभाज्य कह रहा है तो भाज्य संख्या है। फिर कह रहा है पांच नंबर का सवाल कि एक्स सच डेट एक्स तीन और पांच से विभाजित होने वाली एक संख्या है, यहां पर कह रहा है एक्स सच डेट एक्स तीन और पांच से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो तीन और पांच से विभाजित होने वाली संख्या है, तो यहां पर कह रहा है संख्या है, तो यहां पर आपको लिखना है कि इनका पूरक समूच में होगा एक्स एच डेट एक्स तीन और पांच से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, कह रहा है कि है तो नहीं है। अब उसके बाद देखिए छठे नंबर का जो सवाल है, कह रहा है कि एक्स एच डेट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इनका जो पूरक होगा, इनका पूरक समूच इसमें आपको लिखा जाएगा कि एक्स एच डेट एक्स पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यही इनका पूरक समूच होगा। फिर कह रहा है कि एक्स एच डेट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है, यहां पर कह रहा है कि एक्स एच डेट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है, तो यहां पर आपको लिखना है, पहले चलिए इनको हम कोई, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम बनाते हैं, तो यहां पर मान लेना है कि लेट
सेट सी बराबर, आप कोई भी सेट नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि पूर्ण घन संख्या है एक्स डेट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है। अब देखिए सी का हम पूरक निकालेंगे तो यू और माइनस क्या हो जाएगा सी, तो यू में देखिए प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और सी में क्या है पूर्ण घन संख्या है, तो प्राकृत संख्या में से पूर्ण घन संख्या घट जाएगा, पूर्ण घन संख्या घट जाएगा, तो क्या बचेगा जो संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहां पर लिखना है एक्स डेट एक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। यही इनका क्या हो गया पूरक समूच हो गया। फिर कह रहा है सवाल, सवाल आठ नंबर का जो सवाल है यहां पर आपको है कि x सच डेट x प्लस फाइव बराबर आठ है, यह है। अब यहां पर देखिए इनका पूरक समूच निकालना है, इनका क्या करना है पूरक समूच निकालना है। तो पहले हम x का मान हम निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लीजिए, तो x प्लस फाइव बराबर क्या हो गया आठ, x बराबर क्या हो गया इधर आठ में से पांच घट गया तीन हो गया, यानी इस सेट में जो अवयव आपको आएगा वो आपको आएगा तीन आएगा। इनका पूरक समूच निकालना है तो प्राकृत संख्या एक दो तीन चार ऐसे चलते रहेगा, उसमें से इस तीन को घटाएंगे, घटाएंगे तो एक दो तीन छट जाएगा, चार होगा पांच होगा छ होगा सात होगा डॉट डॉट ऐसे चलते रहेगा, तो ये हो गया। उसके बाद आठ नंबर का इनका सवाल, चलिए ये आठ नंबर का ही सवाल था, अब नौ नंबर का इनका सवाल क्या है, इनका जो नौ नंबर का सवाल है वो इस प्रकार से है कि x सच डेट x, यहां पर आपको है x सच डेट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ये चीज है। अब जो है इनका आपको पूरक समूच निकालना है तो एक इजी नियम, आप या तो x का मान निकाल लीजिए जैसे ऊपर में किया है ऐसे निकाल सकते हैं, या नहीं तो इजी में और बनाना चाहते हैं, इनका पूरक समूच निकालना चाहते हैं, पूरक करने के लिए यहां पर आप पूरक ऐसे कर दीजिए, तो बराबर इसमें क्या होगा u और माइनस इनको घटाना है x सच डेट 2x प्लस 5 बराबर 9, ये करना है। इसके बाद देखिए तो u में से ये घट जाएगा तो आपको बचेगा क्या x सच डेट 2x प्लस 5 डज नोट इक्वल टू 9, यहाँ पर इक्वल टू है तो डज नोट कर देना है, यही इनका हो गया। उसके पश्चात यहाँ पर जो आपको है 10 नंबर में सवाल ये इस प्रकार से है एक्स सच डेट एक्स ग्रेटर इक्वल टू 7, मतलब कहने का अर्थ हो गया कि एक्स का जो मान है 7 से बड़ा या बराबर है, इनका पूरक समूच निकालेंगे, इनका पूरक समूच तो ऐसे पूरक का चिन्ह दे देना है, तो ये u में से ये मान घट जाएगा तो x सच डेट x ऐसे हो गया। अब यहां पर देखिए तो x का मान जो है कि 7, x का जो मान है वो 7 के बराबर या उससे क्या है बड़ा है, तो u में जो मान है आपको एक दो तीन डॉट डॉट अनंत तक है, और उसके पश्चात इसमें जो आपको मान है वो आपको 7 से बड़ा है, 7 या 7 से बड़ा है, तो 7 8 9
10 इसे चलते रहेगा। अब देखिए तो इसमें 7 के बाद जितने भी मान होंगे ये सभी छंट जाएंगे। इसमें जैसे 1 से लेकर के अनंत तक मान है और इसमें से 7 से लेकर के अनंत तक मान है, तो इसमें जो मान बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही मान बचेंगे, क्योंकि 7 के बाद वाला जितना भी मान है और इसमें जो मान है उनमें से घट जाएगा, छंट जाएगा। तो इनको आप लिख सकते हैं x डेट x लेस इक्वल टू 6 लेस इक्वल टू 6, ये ऐसे इनका आंसर हो गया। इसके पश्चात अब देखिए तो इसका अर्थ हो गया कि x का जो मान है 1 से लेकर के 6 तक है। अब एक सवाल इसमें और है इस प्रकार से, चलिए इनको भी हम बना लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि x belongs to n और (2x+1)(10). इस प्रकार से तो इनका जब आप पूरक निकालेंगे पूरक, तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा? कुछ नहीं लिखना है, x belongs to n और 2x+1, तो ये चिन्ह इधर है तो इसको इधर घुमा दीजिए, जस्ट विपरीत कर दीजिए, यह इनका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 4 नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर चार इसका क्या कह रहा है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि u बराबर, यहां पर देख रहे हैं कि एक से लेकर के सेट, यूनिवर्सल सेट जो u है इसमें 1 से लेकर के 9 तक अवयव है और सेट में 2, 4, 6, 8 ये अवयव है, अभी में 2, 3, 5, 7 अवयव है, तो सत्यापित कीजिए कि ये यहाँ पर आपको दिया है, इनको सत्यापित करना है। चलिए इनको हम सत्यापित कर लेते हैं। तो पहला आपको क्या है 4 के एक में कि a यूनियन b बराबर ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक, ये है। तो इनको यहां पर ऐसे प्रूफ लिख देना है, लिख दिए LHS ए यूनियन बी होल पूरक बराबर होगा (u-a)(b), जिसका पूरक निकालना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से घटाते हैं। तो देखिए u में 1 से लेकर के 9 तक अवयव है, आप चाहे तो पूरी अवयव को लिख सकते हैं, हम इसे डॉट डॉट मार दिए। ये माइनस है तो यहाँ पर आपको माइनस देना है, a यूनियन b कह रहा है तो a और b के अवयव को मिला देना है। तो a में जो अवयव है वो आपको है, इनको बढ़िया से और बना लेते हैं, ए में अभी अब आपको है 2, 4, 6, 8 यूनियन है, यूनियन बी में अभी अब क्या है इनको भी लिख लीजिए। तो बी में जो अभी अब है वो आपको है 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 ये है, ये माइनस है तो माइनस। उसके बाद देखिए इस सेट और इस सेट का भी आपको मिला देना है, तो मिला दीजिए, 2 तो है ये है, उसका 3 यहाँ पर है ये है, ये 4 है ये है, ये 5 है ये है, ये 6 है ये है, ये 7 और ये 8, तो इसके अभी आपको मिला दिए हैं। अब देखिए तो इसमें 1 से लेकर के 9 तक अवयव है, इसमें 2 से लेकर के 8 तक अवयव है,
तो दो से लेकर के आर तक का जो अवयव है इसमें से छट जाएगा, छट गया तो बचा क्या, एक और नौ। तो यही क्या हो गया, इनका आंसर हो गया। अब उस आंसर यहाँ पर प्रूफ करना है, आंसर नहीं लिखना है, इनको समीकरण एक मान लीजिए, समीकरण एक मान लिए। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक, तो ए पूरक निकाल लेना है। ए पूरक निकालेंगे तो U माइनस ए करेंगे, U में अवयव एक से लेकर के नौ तक है, और A में जो अवयव है आपको वह है दो चार छ आठ है, दो चार छ आठ। उसके पश्चात देखिए तो दो चार, यहाँ पर दो चार छ आठ है, तो ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा, एक दो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दो घट रहा है, तीन नहीं है तीन लिखेंगे। अब इसमें जो चार है तो चार इसमें है, चार में से चार गया खत्म हो गया, पांच इसमें अवयव है तो पांच इसमें नहीं है तो पांच लिखेंगे। अब देखिए छ इसमें है, छ इसमें है तो खत्म हो गया, सात नहीं है तो सात लिखना है, आठ मिल गया आठ नहीं लिखना है, और ये नौ है नौ लिख दीजिए, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए बी पूरक निकालना है, तो ये आपको क्या होगा, पहले U माइनस बी होगा, U माइनस बी, U का मान हो गया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, B का मान आपको हो गया, B का जो मान है, B का मान आपको दिया है दो तीन पाँच सात, ये दिया है दो तीन पाँच सात। अब उसके बाद देखिए एक है ये है, ये दो है ये दो है, ये खत्म हो गया, तीन है ये तीन है खत्म हो गया, पाँच है, अब चार नहीं है, चार यहाँ पर लिख देना है, पाँच पाँच मिल गया तो नहीं होगा, ये छ है इसमें छ नहीं है छ लिख दीजिए, सात सात मिल गया। देखिए क्या सब मिल रहा है, दो मिल रहा है, तीन मिल रहा है, पाँच मिल रहा है, सात मिल रहा है, रेस्ट को लिख दीजिए, एक चार छ आठ ये नौ, ये हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक निकालना है। तो देखिए इंटरसेक्शन में हम, इंटरसेक्शन जो होता है कॉमन एलिमेंट्स का सेट होता है, तो जो मिलेगा उसी को लिखना है। तो देखिए ए पूरक का मान ये है एक तीन पाँच सात नौ, ये इंटरसेक्शन है तो ये इंटरसेक्शन। बी पूरक का मान है एक चार छ, ये है एक मिल गया, तो देखिए जो मिलेगा यानी कॉमन जो दोनों में रहेगा उसी को लिखना, एक तीन भी नहीं मिला, पांच भी नहीं मिला, सात भी नहीं मिला, और नौ नौ मिल गया है, इनको समीकरण दो मान लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए यूनियन बी होल पूरक, ये आपको हो गया ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक, तो इसमें भी एक नौ अवयव है, इसमें भी एक नौ अवयव है, तो समीकरण एक एवं दो से ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखना है समीकरण एक एवं दो से, एक एवं दो से ए यूनियन बी होल पूरक बराबर ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक, ये आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। दोनों का मान आपस में बराबर है इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसके पश्चात अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर दूसरे में जो प्रूव्ड करना है, ये चीज प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी होल पूरक बराबर ए पूरक यूनियन बी पूरक, ये चीज करना है।
तो पहले देखिए, प्रूफ करने से पहले क्या सब चीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए का मान क्या है, ए का जो मान है आपको वो है 2, 4, 6, 8, इंटरसेक्शन है ये इंटरसेक्शन। अब बी का जो मान है 2, 3, 5, 7 ये है। अब देखिए 2 मिल गया, उसके बाद यहाँ पर 2 लिख देना है, फिर 4 देखिए 4 नहीं मिला, 6 देखिए 6 भी नहीं मिला, 8 देखिए 8 भी नहीं मिला, तो सिर्फ 2 ही होगा। अब इनका पूरक निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी होल पूरक, तो बराबर क्या होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा। यू में देखिए, यू में जो अवयव है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, 2 है, 2 लिख दीजिए। लिखने के पश्चात तो 2 इसमें से छट जाएगा, क्या बचेगा, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया। इनको समीकरण एक मान लीजिए, समीकरण एक हम मान लिए हैं। अब देखिए फिर इसका जो RHS पार्ट है ये आपको है ए पूरक यूनियन बी पूरक, तो पहले हम ए पूरक निकाल लेंगे। तो ए पूरक निकालेंगे तो यू माइनस क्या होगा, ए। और देखिए ए पूरक का मान हम पहले निकाल चुके हैं, क्या निकला है उनको हम बैठा देते हैं डायरेक्ट ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए पूरक का जो मान निकला है वो आपको निकला है 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1, 3, 5, 7, 9। उसके बाद बी पूरक का मान निकालना है, तो यू माइनस क्या होगा, बी। अब देखिए बी का जो मान है, बी पूरक का मान निकालना है, तो बी पूरक का मान आपको ये देखिए, बी पूरक का मान ये है, तो क्या है, 1, 4, 6, 8, 9। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1, 4, 6, 8, 9, ये हो गया। अब इन दोनों का यूनियन, तो ए पूरक यूनियन बी पूरक, तो यूनियन निकालने का अर्थ गया कि दोनों को हम मिला देंगे। तो एक है एक लिख देंगे, फिर 3 है 3। अब देखिए दोनों को मिला रहे हैं तो संख्याओं को सीरियली हम लिखते जाते हैं, 3, 3 के बाद देखिए 4 भी है, 4 भी लिख देंगे, 4 के बाद 5 भी है, 5 भी लिख देंगे, 6 भी है, फिर 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। इनको समीकरण 2 मान लीजिए। तो देखिए इसमें अभी अब क्या है, 1 से लेकर के 9 तक है, 2 को छोड़ करके 2 नहीं है, और समीकरण 1 जो है इसमें भी 1 से लेकर के 9 तक अभी अब है, 2 को छोड़ करके। तो इस प्रकार से ये दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर हैं। तो इसलिए इक्वेशन 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, तो आपको होगा ए इंटरसेक्शन बी होल पूरक बराबर ए पूरक यूनियन बी पूरक, ये आपको क्या होगा, प्रूव्ड हो गया है, क्योंकि इन दोनों का मान जो है कि बराबर हो गया, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यही प्रूव्ड करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख खींचिए। इसमें प्रत्येक के लिए कह रहा है कि वेन आरेख खींचिए। तो देखिए इनका वेन आरेख क्या होगा, 5 नंबर का सवाल देखिए, 5 के 1 में है कि ए यूनियन बी होल पूरक,
जब आप ए यूनियन बी होल प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या होता है, यू माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये चीज होता है। तो यानी ए यूनियन बी, ए और बी को जो आप मिलाएंगे इसमें जो अवयव आएगा वह यू में से घट जाएगा। देखिए यू क्या होता है, यू एक आयत होता है वेन डायग्राम में, आयत को दर्शाने के लिए ये जो आयत होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है, सार्वत्रिक या समष्टीय समूच होता है। यू दे दिए, अब देखिए ए और बी दो सेट है, ए और बी ये दो सेट बना लेना है, ए और बी हो गया। अब देखिए तो इनका पूरक तो ए यूनियन बी यू में से क्या होगा, घट जाएगा। तो ये पूरा है, तो समझिए पूरा एक कागज का टुकड़ा है, ए और बी को काट करके क्या करेंगे, माइनस मतलब क्या, काट करके निकालना। तो ये पार्ट आपको खाली रह गया, रेस्ट पार्ट जो रहेगा इसमें तो अवयव रहेगा ही, इसलिए ए और बी का अवयव जो है छट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये घटता है, रेस्ट पार्ट आपको रंगा जाएगा। तो इसे डॉट डॉट ऐसे करके मार दीजिए, इससे यह क्लियर होता है ये रंगे हुए पार्ट में अवयव है और आपको जो है कि ए और बी इनको छोड़ देना। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद है दूसरे नंबर का सवाल, इसमें है ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक। तो यहां पर देखिए इसका भी यही होगा फिगर, क्यों होगा, क्योंकि सूत्र होता है ये जो है इसके बराबर होता है, फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी होल पूरक बराबर ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक, ये होता है। इसलिए इसका और इसका सेम ही वेन आरेख होगा। अब चलिए इनका जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है ए इंटरसेक्शन बी होल पूरक। तो यहां पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का अर्थ हो गया जैसे सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो इस पार्ट को हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन जब आप बी निकालेंगे तो सिर्फ इसी पार्ट में अवयव रहेगा, सिर्फ इसी पार्ट में, और जब आप इनका पूरक निकालेंगे, पूरक पूरक, तो ये क्या होगा, यू में से जो है कि ए इंटरसेक्शन बी घट जाएगा, यू में से इंटरसेक्शन बी घट जाएगा। तो ये पार्ट जब U में से घट जाएगा तो ये पार्ट खाली हो जाएगा, ये पार्ट खाली हो जाएगा। तो जब ये पार्ट आपको खाली हो गया, जब इनका वेन आरेख के रूप में निरूपण करेंगे तो ऐसे वेन आरेख बना लेना है। देखिए ये आपको समझाने के लिए दिए हैं, ये आपको जो है कि अपने कॉपी पर नहीं उतारना है, या समझने के लिए उतारेंगे तो उतार लीजिए। इनका नाम यू दिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी ऐसे डॉट डॉट मार दीजिए। अब देखिए इंटरसेक्शन में तो सिर्फ यही पार्ट आता है, इसी में एलिमेंट आता है, और चूंकि पूरक निकाल रहे हैं तो ये पार्ट तो हट जाएगा, तो रेस्ट इस सब पार्ट में क्या होगा, अवयव होगा, इन सभी पार्ट में अवयव होगा। अब सिर्फ इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है ये पार्ट, इसमें अवयव नहीं होगा। तो यही आपको क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी होल पूरक हो गया। अब देखिए चौथा नंबर का जो सवाल है इसमें कह रहा है ए पूरक यूनियन, ए पूरक यूनियन बी पूरक, ये कह रहा है। तो देखिए इतना के बराबर ये होता है, फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी होल पूरक बराबर ए पूरक यूनियन बी पूरक। तो इसका भी यही
फिगर होगा, यानी इनका भी फिगर बनाना चाहेंगे तो यही फिगर यहाँ पर आपको उतरेगा। तो इस प्रकार से 5 नंबर का जो है सवाल खत्म हो गया है। अब हम 6 नंबर के सवाल को हम देखते हैं। 6 नंबर का सवाल क्या है, तो 6 नंबर के सवाल को हम पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का जो सवाल है कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समूह सार्वत्रिक समूह U है, ये उन सभी त्रिभुजों का समूह है जिसमें कम से कम एक कोण जो है 60 डिग्री से भिन्न है। एक कोण 60 डिग्री से क्या है, भिन्न है, तो ये पूरक क्या होगा। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, 60 डिग्री से भिन्न है तो 60 डिग्री के समान है, सिंपल बात। पूरक में क्या होता है, जस्ट उल्टा सोचते हैं, है तो नहीं, नहीं तो है। तो 6 नंबर का जो सवाल है ये यूनिवर्सल सेट में है, इसमें है कि आपको त्रिभुजों का समूह, त्रिभुजों का ये समूह है, इनका जब पूरक और ए जो है इसमें कह रहा है कि कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। जब आप ए पूरक निकालेंगे, ए पूरक हम निकालेंगे, ए पूरक तो ये होगा यू माइनस ए, तो ये त्रिभुजों का समूह है तो इसमें 60 डिग्री के समान कोण वाले ही भी है, तो 60 डिग्री से भिन्न वाले छट जाएंगे, तो 60 डिग्री के समान। तो यहां पर लिखना है कि साठ डिग्री के समान। तो इसका अर्थ हो गया सभी सम बाहु त्रिभुजों का समूह, सभी समबाहु त्रिभुजों का समूह, ये हो गया इनका पूरक समूह, ये आंसर हो गया। उसके पश्चात 7 में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को, क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर जो है कि लिख दीजिए, यहां पर है कि ए यूनियन ए पूरक, ए यूनियन ए पूरक। अब यहां पर देखिए बराबर ऐसे डॉट डॉट दिया है, इसमें भरना है। तो ए पूरक, ए पूरक में वे यू के अवयव होंगे, किसके अवयव होंगे, यू के वे सभी अवयव होंगे जो ए के नहीं है, ये होंगे। अब यहां पर आप देखिए ए और ए पूरक को जब आप मिलाएंगे तो आपको जो है कि यूनिवर्सल सेट यू प्राप्त होगा, यूनिवर्सल सेट यू प्राप्त होगा। दूसरा देखिए कह रहा है कि फाय इंटरसेक्शन ए, फाय इंटरसेक्शन ए, अब देखिए फाय पूरक है, फाय पूरक इंटरसेक्शन ए, तो फाय पूरक बराबर होगा यू माइनस फाय, यू माइनस फाय बराबर यू, ये होगा। अब देखिए फाय पूरक के बदले हम क्या लिखेंगे, यू इंटरसेक्शन है तो यहां पर इंटरसेक्शन, ए है तो ए। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में जो है, यूनिवर्सल सेट में ए का प्रत्येक अवयव मिलेगा, इसलिए ए जो है कॉमन आ जाएगा, यानी ए का प्रत्येक अवयव मिलेगा तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होता है। अब देखिए तीसरा इनका जो सवाल है वह कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए पूरक।
अच्छा चलिए यहाँ से हम आपको एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। पहला का हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ए बराबर आपको क्या हो, एक दो हो, और यू बराबर आपको क्या हो, एक दो तीन हो, ऐसे हो। तो देखिए ए पूरक निकालेंगे, ए पूरक निकालेंगे तो एक दो तीन में से एक दो घट जाएगा, क्या बचेगा, तीन। अब देखिए ए और ए पूरक को मिला देंगे, ए यूनियन ए पूरक। तो देखिए जब ए और ए पूरक को मिलाएंगे तो इसमें एक दो है तो एक दो, इसमें तीन है तो यहाँ पर तीन। तो देखिए ये किसके बराबर हो गया, यू के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए इसके बराबर में हम यू लिखे हैं। फिर फाइव इंटरसेक्शन ए है, तो देखिए फाइव में एक भी अवयव नहीं होता है, फाइव में एक भी अवयव नहीं होता है, तो इसलिए यू माइनस क्या हो जाएगा, फाइव। जब फाइव में अवयव है ही नहीं तो यू ही बच जाएगा। अब देखिए यू इंटरसेक्शन ए, तो कीजिए क्या होता है, जैसे ये यू हो गया, ये ए हो गया, तो यू इंटरसेक्शन ए, तो यू में एक दो तीन है और एक में ए में एक दो है, तो एक दो मिल गया, तो इसके इंटरसेक्शन में एक दो आएगा। तो देखिए एक दो किसका अवयव है, ए का, तो बराबर हम क्या लिखेंगे, ए, इसलिए यहां पर हम ए लिखते हैं। फिर देखिए ए ए इंटरसेक्शन ए पूरक बराबर आपको फाइव होता है, कैसे होता है, जैसे ए हो गया, ए पूरक हो गया, इसमें और इसमें इनका इंटरसेक्शन निकालिए, ए इंटरसेक्शन ए पूरक, तो पूरक में यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए पूरक है और इंटरसेक्शन है, तो ए और ए पूरक में देखिए कितने अवयव कॉमन है, एक भी अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फाइव। इसलिए यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा, फाइव भरा जाएगा। अब जो चौथे नंबर का इनका सवाल है वह है यू इंटरसेक्शन ए बराबर, तो यू पूरक ये U हो गया, इनका जब आप पूरक निकालेंगे तो वो होगा आपको U माइनस U, मतलब ये आपको फाइव हो गया, तो इसलिए U पूरक का मान आपको क्या होगा, ये फाइव। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन A, तो फाइव में तो कोई अवयव है ही नहीं, तो A के किसी अवयव से मैच करेगा ही नहीं, तो ये आपको क्या प्राप्त होगा, ये आपको फाइव ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इसमें क्या मान हुआ, तो इस प्रकार से यह एक्सरसाइज खत्म हुआ। इसी प्रकार से आप क्लास 11 का कंटिन्यू तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम छात्र भी लाभ ले सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।